बिलाईगढ़ के दक्ष हॉस्पिटल में 2 माह से परेशान महिला का डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर 4 किलो 300 ग्राम का ट्यूमर बाहर निकाला। महिला पिछले 2 माह से पेट दर्द के कारण परेशान थी। वही पीड़ित महिला ने ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों से बोली कि आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। बिलाईगढ़ ब्लॉक में पहली बार 47 वर्षीय महिला देवमती देवांगन की सफल ऑपरेशन कर पेट से 4 किलो 300 ग्राम ट्यूमर बाहर निकाला गया। महिला 2 माह से परेशान थी। महिला ने बताया कि चलने फिरने से श्वास फूलने, पेट में दर्द होना और चक्कर आने से परेशान थी, जिसके इलाज के लिए बिलाईगढ़ के दक्ष हॉस्पिटल आया, जहां डॉक्टरों ने उसके पेट में ट्यूमर होने की बात कही, जिसके बाद डॉक्टर इस बहरा की टीम ने 15,000 की खर्च में महिला की सफल ऑपरेशन कर 4 किलो 300 ग्राम ट्यूमर को बाहर निकाला, जिसके बाद महिला और उनके परिवार वालों ने डॉक्टर एवं उनके टीम को धन्यवाद दिया। नाम से तकलीफ जैसे तो देखा है। कौन से हॉस्पिटल आया? डॉक्टर। कौन प्रकार की समस्या रही से? वो ब्लडिंग हो और महीना ज़्यादा जाए तो जल्दी जल्दी हो, का नाम से देखा है। तो अभी जो ट्यूमर जो निकली से वह है कतिक वजन रही से और कौन सी बीमारी बोलते हैं डॉक्टर? साहब मन बता रहे हैं कि वह 4 किलो 300 ग्राम ही करके। तो सफल ऑपरेशन आपकी पत्नी को ये कर लिया, आप क्या कहना चाहिए डॉक्टर मंदवा? हमन की तरफ से बोला बहुत बहुत धन्यवाद है। हमन के गरीब आदमी हैं और बढ़िया ऑपरेशन करेंगे। कब से परेशान रही से, कतिक दिन होते हैं? वह तो बहुत दिन से रही से रहे बा, लेकिन काय 2 महीना हुई से पता चली से, बोला दर्द हो से ना, बार बार दर्द हुई से तो बोले पता चली से, तो चेक कराए यहीं बा आए हैं, तो यहाँ ऑपरेशन हो जाए बोले। कहाँ से आए हैं? बड़गांव से। नाम के महिला आई थी, उसके बच्चादानी में एक गोला था जिसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, वो जैसे एक बच्चा जैसा साइज का था, छोटा बच्चा जैसा होता है उतना साइज का था, वो बड़ी गंभीर बीमारी होता है, उसके चलते उसके महिला को जो महीना जाता है उसमें ज़्यादा खून जाता है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी उसमें कैंसर का समस्या भी हो सकता है, वो 0.5% में होता है, और उसमें किडनी में जैसे प्रॉब्लम हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस नाम की एक बीमारी भी हो सकता था, तो उसको हम सफल सर्जरी के द्वारा आज निकाले हैं। उसका वजन करीब 4 किलो था। 4 किलो 300 ग्राम? 4 किलो 300 ग्राम। जी सर, जो आप लोगों ने जो ऑपरेशन किए हैं और इस प्रकार की जो बीमारी है ना, उसका किस प्रकार की इफेक्ट रहता है मरीजों में? ये दूसरा एज में उसका कॉम्प्लिकेशन अलग अलग टाइप का होता है, जैसे मैं पहले बताया महीना में ज़्यादा महीना जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए महीना में रक्तहीनता का समस्या हो सकता है और उसमें एनीमिया हो सकता है, दूसरे चलते उसमें डिजेनरेशन हो सकता है, उसमें कैंसर का समस्या भी हो सकता है, और अगर कभी कभी उसमें वो रहेगा फाइब्रॉइड तो बच्चा ना होने का समस्या भी हो सकता है। मेरे यहाँ आज यूट्रस फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ, जो है सफल ऑपरेशन हुआ। यूट्रस फाइब्रॉइड ये 4 किलो 300 ग्राम का था, डॉक्टर सदाशिव बेहरा द्वारा किया गया है ऑपरेशन, उनकी टीम द्वारा की गई है ऑपरेशन। ये ऑपरेशन मेट्रो सिटी में लाखों के खर्चों में होते हैं, ये ऑपरेशन जो है, जो ये छोटी सी जगह में मात्र 15,000 रुपये की खर्चे में ऑपरेशन किया गया। ऐसी कई एक ऑपरेशन हमारे यहाँ होती रहती है, ये आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप में कि मेरे हॉस्पिटल में 4 किलो 300 ग्राम का एक बड़ा सा गोला निकाला गया किसी के पेट में। महिला कहाँ कहाँ चेक नहीं करवाई, कहाँ कहाँ नहीं भटकी, हमेशा जो है गैस का दवाई खाई, गैस की समस्या है करके, कोई वैद्य को दिखाई, कोई गांव के डॉक्टर को दिखाई, एक्चुअल समस्या पता नहीं चला इसको। उसके बाद ये दक्ष हॉस्पिटल आई, दक्ष हॉस्पिटल के डॉक्टर सदाशिव बेहरा जी ने डायग्नोस किया कि आपके यूट्रस में बहुत बड़ा गोला है, फाइब्रॉइड है करके, और उसका आज सफल ऑपरेशन किया गया जो 4 किलो 300 ग्राम का था। पेशेंट का क्या नाम? पेशेंट का नाम देवमती देवांगन है, रहने वाली भड़गांव की है। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, ACN 24।